खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल जी की द्वारा लिखा गया अत्यंत सुंदर ही काव्य पाठ है इसमें अगरबत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं लोग और इन अगरबत्तियों को बनाने के लिए जो लोग काम करते हैं वह गंदे स्थानों में कूड़े कचरे के ढेर में कारखाने में बैठ कर के काम करते हैं और यहाँ तक कि गंदे स्थान इतने बुरे होते हैं वहाँ पर नालियाँ भी बनी हुई होती हैं और नालियों के पास बैठ कर के दूसरों के घरों में खुशबू पहुँचाने का कार्य वो किया करते हैं अगरबत्ती के कारखानों में काम करने वाले लोग कई तरह के होते हैं उनके हाथ कई तरह के होते हैं कुछ लोगों के हाथों की नसें उभरी हुई हैं किसी के घिसे हुए नाखून हैं और छोटे बच्चे जो काम करते हैं उनके पीपल की पत्तियों के जैसे हाथ हैं किसी के जूही की डाल की तरह है और किसी के गंदे कटे फटे या जख्म वाले हाथ भी है इसी तरह ना जाने कितने लोगों के हाथ दूसरों के लिए खुशबू से महकने वाली अगरबत्तियां बनाया करते हैं और वो खुद कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं जब वो दूसरों के लिए काम करते हैं अगरबत्ती का कारखाना छोटी सी बस्ती में कूड़े कचरे के ढेर में होता है और पूरी दुनिया की मशहूर अगरबत्तियाँ इसी गली में बनती हैं यही इसी गली में बनती हैं इसी मोहल्ले में रहने वाले वही गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खसखस रात की रानी और भी बहुत सारे खुशबू वाली अगरबत्तियाँ इसी कचरे के ढेर से के पास बनती हैं जहाँ खुशबूदार वस्तुएं बनाई जा रही हैं वहीं पर पास ही में कचरे का ढेर होता है दुनिया की सारी खुशबू यही गंदे हाथों से बनती है और यही गंदा हाथ पूरी दुनिया को खुशबू से महकाता है